भाई डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ आईटी के भी कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। आईटी की सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस मैं बताऊं तो शायद अच्छा ही लगूंगा, क्यों ना एक्सपर्ट से बात की जाए। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नुमान, जो कि ही हैज वास्ट एक्सपीरियंस बट करेंटली ही सर्विंग एज अ एचओडी ऑफ आईटी डिपार्टमेंट इन पीएफ किट। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। क्या आप तो इसका हिस्सा ही हैं, लेकिन फिर भी वक्त देने का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे इस, मतलब स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे, ये जो 25,000 लोग आए हैं क्या फ्यूचर है इनका, अगर ये सही भी कर रहे हैं टाइम ज़ाया होगा ऐसे? जी बात ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें हम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, तो डेट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू, अगर आप देखें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, सच एस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है जिसके मुताबिक अगले 25 सालों में जो जॉब हम कन्वेंशनल जॉब अभी चल रही है ये टोटली एलिमिनेट हो जाएगी। तो वी नीड न्यू स्किल्स, न्यू जॉब्स, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे जो है फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो है PIIIC पाकिस्तान जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके जो है दे आर ट्रेनिंग द यूथ, मासेस को ट्रेन किया जा रहा है जो कि हमारा फ्यूचर है। अगर बात की जाए आईटी एक्सपोर्ट की, जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 50% बढ़ी है इस साल, लेकिन अभी जो अगर आप देखें $3 बिलियन इसके, इफ़ यू कंपेयर इट विद इंडिया, तो $100 बिलियन+ जो है इंडिया जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड। तो आई होप के जो है इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है कि जो है अगले कुछ सालों में जो है हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, और स्टूडेंट्स के लिए हमारी नेक तमन्ना है, और उनको प्लीज़ बेस्ट ऑफ लक कह दें आप। जी बेस्ट ऑफ लक, और बहुत मेहनत की ज़रूरत है हमें, तो इंशाल्लाह ये हमें उम्मीद तो है अपने यूथ से कि जो है हमें आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।